हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नदरू की एक और सब्जी। लास्ट टाइम हमने नदरू से यखनी बनाया था, इस बार हम नदरू से बनाएंगे खट्टे नदरू। आप इनको टैंगी लोटस रूट भी कह सकते हैं। इनको बनाना एकदम आसान है, 5-10 मिनट में ये सब्जी रेडी हो जाती है। टेस्ट में तो ये एकदम शानदार होती है, और जो नदरू फैन है ना, उनको ये सब्जी बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। चलिए इसको बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए नदरू, लोटस रूट, कुछ लोग इसको कमल ककड़ी या बेल के नाम से भी जानते हैं। मैंने इसको अच्छे से पील कर लिया है, धो लिया है और ऐसे ओब्लॉन्ग शेप्स में काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए 2 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच जीरा, 2 लौंग, 1 सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची जो कि ऑप्शनल है, साथ ही हमें चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, सौंफ पाउडर 1/2 चम्मच, सॉल्ट पाउडर 1/3 चम्मच, हल्दी 1 चुटकी और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। इमली का पेस्ट खटास के लिए मैं यहाँ 2 चम्मच यूज़ करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये सब्जी भी हम कुकर में बनाएंगे। मैंने कुकर में 2 चम्मच सरसों का ऑयल डाला था और स्मोक करके ठंडा कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी हींग 2 चुटकी, जीरा 1/2 चम्मच, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 लौंग और बड़ी इलायची को मैंने ऐसे स्प्लिट ओपन कर लिया है। ओपन करके इसमें डाल देते हैं। मसालों को थोड़ा 10-20 सेकंड तक भुनेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे हमारे नदरू। हमें नदरू को यहाँ पे डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है ताकि नदरू का कच्चापन दूर हो जाए। हम 5 मिनट तक नदरू को टॉस करते हुए फ्राई करेंगे ताकि इवनली ये फ्राई हो जाए। 5-7 मिनट हो गए हैं, नदरू को मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं किया है। अब मैं इसको सिम फ्लेम करके मसाले डालूंगी। 1 चम्मच डाल दूंगी मैं लाल मिर्च का, नमक डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से, 1 चुटकी हल्दी, 1/3 स्पून जिंजर पाउडर और इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें पहले डालूंगी 1/2 ग्लास पानी, लगे तो थोड़ा और ऐड करेंगे। अब इसको कर दूंगी मिक्स। हाँ, थोड़ा और पानी चाहिए क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ा और चाहिए, थोड़ा सा और पानी चाहिएगा। मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाल दिया। अब फ्लेम को मीडियम पे करके मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर और इसको कर देंगे फिर से अच्छे से मिक्स। सौंफ पाउडर ना ग्रेवी की थिकनेस के लिए यूज होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी और थिक चाहिए तो आप इसको 1/2 चम्मच और भी डाल सकते हैं। ग्रेवी में हल्का हल्का बॉयल आ रहा है। अब मैं इसको लगा दूंगी और लेड लगा के मैं इसको 2 सीटी दूंगी मीडियम फ्लेम पे। 2 सीटी हो गई है, अभी नदरू को चेक करते हैं। मैं चेक करूंगी ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ है ना, अगर नहीं हुआ है तो हम इस स्टेज पे इसको सीटी भी दे सकते हैं। अभी ज़्यादा सा हार्ड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 1 सीटी और लगेगी। नदरू में ना थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए, एकदम लिसा हुआ नदरू नहीं होना चाहिए। तो मैं मीडियम फ्लेम पे इसको एक और सीटी दे दूंगी, वापस से बंद करके एक और सीटी दे दूंगी। 1 सीटी और हो गई है, अब इसको चेक करते हैं। तो बहुत अच्छी आ रही है और नदरू में क्रंच भी काफी अच्छा है। अब मैं गैस को वापस ऑन करूंगी मीडियम फ्लेम पे और इसमें डाल दूंगी अपना टैमरिंड पेस्ट, इमली का पल्प। ये मैंने कुछ नहीं, इमली जो सीडलेस थी उसको मैंने गर्म पानी में घोल लिया था। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसको वापस मिक्स करूंगी। अगर
अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि इसमें पानी कम है तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे को परफेक्ट लग रही है इसकी ग्रेवी। और अब इसको बस ढककर ऐसे रख के 2-3 मिनट तक इमली का फ्लेवर पूरी ग्रेवी में चले जाए ऐसे ही रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हमारा लड्डू एकदम रेडी है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको सर्विंग बोल में निकाल के दिखाती हूँ। लड्डू की सब्जी एकदम रेडी है। मैंने इसको सर्विंग बोल में निकाल दिया है। आप इसको हॉट स्टीमिंग राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। लड्डू, दही और राइस, वाह वाह क्या कॉम्बिनेशन है ये। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।